morning. My name is Alisha, one of the aspirants of TAGET, made for IAS and IPS. I would like to welcome Sri Umesh Vasish, Chief Principal Director of Shanti Shiksha 7th School, Sri Premchand, the elder brother of Principal Sir, Srimati Vinay Sharma, better half of Sri Premchand Sharma, Obiyan, son of Sri Manishji, Khushi, daughter of Sri Jayaprakash and Srimati Durgeshji, Nancy, daughter of Srimati Anu and late Sri Hansraji, Shilpa, wife of Sunil Sharma, daughter-in-law of Sri Balakrishna. We all are gathered here to honor all these students who have done a wonderful performance. And Khushi, Nancy, Shilpa ji and Shai. Further, I would like to call Sri P.C. Sharma ji for the blessings. सबसे पहले तो मैं यहाँ जो लोग आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, शायद मैक्सिमम लोग मुझे नहीं जानते हैं, बड़ा भाई है, दूसरे अच्छे भाई और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हूँ। अभी यही डेरा डाल लिया है अपने काम में, तो यही करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को भी मैं चाहेंगे तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। ये तो सबसे जो अच्छी बात है, छोटे भाई ने ये जो सिस्टम शुरू किया, ये लेटेस्ट सिस्टम है और टेक्निक आगे बढ़ रही है, तो उसका इस्तेमाल करके बच्चों को एजुकेशन दे दी जा रही है, ये बहुत बढ़िया काम है। हालांकि मुझे सुनने में आया था कि अरे वो तो कुछ नहीं पढ़ाते, तो बोलते दोस्तों जो है टीवी दिखाते हैं। क्या टीवी दिखाते हैं, जैसे यहाँ कोई पिक्चर हॉल बना हुआ हो, तो आप लोगों को भ्रमित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे और सही गाइडेंस वाले, गाइडेंस देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी आपके बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप पढ़ो लिखो, आपके पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इवन रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं पढ़ लिख के अच्छा बना है, आपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और इस तरीके से आपने ट्रॉफी मेडल लेने हैं, ये चीज बताने वाले कम मिलेंगे। काल पीछे वाले ज़्यादा मिलेंगे, विजिटर जो था प्रदर्शन, ये सच्चा ही है समाज के। हम किसी को आगे निकलता हुआ देखना नहीं चाहते, टांग खींचने बजाय आगे बढ़ने का तरीका, आगे बढ़ने का ये है कि हम मेहनत करें, शिक्षा ग्रहण करें और हम उससे आगे निकलें। नहीं, हमारा उल्टा तरीका है कि हम दूसरे की टांग खींचें। मुझे बड़ी खुशी हुई पहली बार जब एक लड़का वायु सी ने फर्स्ट पोजिशन दी, उसको अवार्ड दिया स्कूल जहाँ से उसने एजुकेशन ली, और बड़ी खुशी होती है। अभी ये बेटा अभी जो ट्रेन कर रहे हैं इंग्लिश में, पढ़ा के बाद इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप लोगों में से अगर ऐसे बच्चे निकलते हैं, ऐसे बच्चे अगर आप सोसाइटी में से, हमारी में से निकलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो बच्चों को जो समझते हैं इस बात, आप लोग हमेशा अपने से अच्छे बच्चे के पास, अच्छे लोगों के पास गए तो उससे आपकी इमेज में फर्क पड़ता है। जो लोग
गलत आत्मा में पड़े हुए उसके पास आप खड़े हो गए। दस आदमी नहीं कहेंगे तो उनको जरूर कहेंगे लड़का भी लगता है कि नहीं के साथ लग गया। तो थोड़ा सा हमारे गांव की हिस्ट्री बदली है इस मामले में कि यहाँ पे जो है वो गलत एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। जो ट्रेंड आज एजुकेशन का है बहुत कॉम्पिटिशन है और एजुकेशन ऐसी चीज है जो बेकार से जाती है, ऐसा बढ़िया धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता। हमारी फैमिली में भी आपको पता है हिस्ट्री ठीक है, एजुकेशन बेस्ड फैमिली है। मैं तो बड़ा इस बात किसी फैमिली में चाचा पांच पांच ऑफिसर ऊपर वाले देवी सरस्वती का आशीर्वाद है। तो क्या प्रोग्राम है वो थोड़ा सा अब आगे जो बच्चे रिसीव करेंगे उनके माँ बाप बहुत भाग्यशाली वो आगे अगर इसी तरीके से बढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका तो कमाई यही होगी कि बच्चा वहाँ तक पहुँचता है। ये गांव एजुकेशन में आगे रहा और बहुत कभी कभी आता है थोड़ा डाइवर्शन हुआ है लोगों तो अपने बच्चों को बचाए रखो तो मुझे यही कहना बात कर रहे उनके लिए जो ये ट्रॉफी को उसको लेंगे उनको मैं बधाई देता हूँ। आपके साथ में वो बच्चे आएंगे तो आपको लगेगा ऐसा ही हमारा बच्चा होना चाहिए और जो बच्चे बैठे हैं उन्हें भी ये लगेगा कि हमें ऐसा होना चाहिए। तो ये भावना लेके हमें आज यहाँ से जाना है और इसको जो परंपरा है ये आगे बढ़ती है। ये मैं कहता हूँ कि वो इसे आगे बढ़ा। जो बच्चे हमारे मेरिटोरियस आए उस बार एक बस मुझे ज़्यादा नहीं कहना मेरा आज का परिचय हमेशा है लेकिन मैं अगली पीढ़ी की फसल काट रहा हूँ। जो आज से 20 साल पहले 15 साल पहले जो हमने मेहनत की थी सीधे साधनों के साथ आज उसका फल हमें भी मिल रहा है। मनीष वो भी अंतिम पिताजी तो मनीष को छोड़े थे स्कूल से लाए। नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए इसमें से इम्प्रूव करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल का लड़का था तो जो हमारे बाबा मैं आपको उनका परिचय दे दूँ। मनीष हमारे स्कूल के स्टूडेंट रहे मेरे बिहार में बहुत अच्छे रहे हैं बाकी का खबर बता दूंगा। इनके जो पिताजी श्री देवीराम उनको हमारे गांव में लच्छू के नाम से तो दिवंगत श्री देवीराम के बेटे हुए मनीष और मनीष के सुपुत्र हो गए कोवियान। कोवियान का मीनिंग क्या था आर्टिस्ट अरबिक इसका मीनिंग होता है कलाकार। कला तो देख रहे हैं आप इसकी और दूसरा हमारे जो बीच में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या हो रहा है कि आज के व्यावसायिक युग में क्या हो रहा है एक छीना झुकी चल रही है एजुकेशन की। आपका बच्चा 85% मैंने ले लिया 92% कर लिया नो बल बाबा जी 7% का इजाफा हो गया। अब सुने मुझे अपनी थोड़ी थोड़ी देसी कहानियाँ बतानी पड़ेंगी।
एक जो हमारी बेटी नैन्सी आपके सामने आएगी वो कला स्कूल में 4-5 साल होगी और 10वीं होगा। फिर उनकी माँ अन्नू उस बच्चे को मेरे पास ले जाए 10वीं पास की और अब की बार ऊपर हमारी भाई की पत्नी शिल्पा पढ़ाई छोड़ दी थी, बोली भाई सब मुझे पढ़ना है, मैं तेरे साथ 10वीं करवाई अपने आप अपने ढंग से और आज फिर बार भी फोकस भी समझे गए। चर्चा होगी वहां जाके कि हमारे यहाँ तो आते हैं 87% हमारे यहाँ 90% आते हैं, भाई मैं तो जीरो से लेके चला था, मैं तो जीरो से लेके चला था। आज एक बच्चा विश्व पटल पे विजेता बन के आया ओबियान, ये तो जीरो से चला। और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरी जीत तो सरस्वती है और 24 घंटा 2 की बात भी आती है। ये लड़का मेन सेक्शन में कुछ ऐसा करेगा कि हम उठाएंगे इसको, हम उसको फिर से मारेंगे। खुशी है अपनी श्री जयप्रकाश की दादाजी के नाम बलराज, शी गॉट 87% मार्क्स। मेरा अपने मेरा अपना एक बिल्कुल एक बोध है, एक शपथ है कि मैं एजुकेशन के लिए कोई जुगाड़ कोई नकल कभी ना कराना चाहूँगा। इनके माता पिता इस बात को गवाह हैं कि मैं सेंटर पे भी नहीं रहा, बात बीमार था और साल में क्या करता हूँ कि बच्चों को सेंटर पे गेट पे छोड़ता है। सुप्रिंटेंडेंट से ये कह के आता हूँ आप नंद बात को, मैंने स्कूल संचालक भी मान के देखे लाखों रुपए बाहर देखे हमारे बच्चों का वो हो जाए परसेंट के ऊपर चल जाए 7%, 8% और फिर हमारे बड़े बड़े फ्लैक्स बन जाए समाज के अंदर और हम समाज की स्ट्रेंथ को जो पास करें ये अपनी जिंदगी। मैं सुप्रिंटेंडेंट से जाकर सब कहता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, नकल करें उठा के बता दो इनका पढ़ लें, जो आपके पास है जो पढ़ने को आप करेंगे परसेंटेज अच्छी है लेकिन उसको ज़्यादा विश्वास नहीं। आई वॉन्ट द डीपेस्ट नॉलेज ऑफ कंटेंट। इसी के चलते हुए हमारे यहाँ पी एम सी यूनिवर्सिटी में तो हमने UPSC की IAS IPS की यहाँ से कोचिंग चल रही है, अपनी सफलता से चल रही है और मैंने समाज के अच्छे बच्चे करके बड़े ओवरडेट बच्चे और वो सफल होंगे अवश्य होंगे। तो जो ये हमारे बीच में कन्वर्सेशन आ रही है IQ क्वालिटी एजुकेशन एंड देयर बी क्वांटिटी एजुकेशन, जो मेरे पसंदीदा के आ रही है वो भी अब निकला, खुशी मिली, शिल्पा है, नैन्सी है, आ जाओ मेरे साथ गर्व के साथ कहते मेरे पास नहीं है, मैंने रतन कमाए अब कबाड़ी लोहा की नहीं। मनीष जब यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में आया था तो बीजी में आपको बता रहा था बड़े आपकी बात बनाए तो हमारे यहाँ एक अध्यापिका थी तो आप इस चीज को करते तो ये अपने आप को रेडिसन कहता होगा मनीष बट ही हैड स्टकी बुक्स। तो वो अध्यापिका मुझे साल में उसने 10 बार इंसिस्ट किया कि ये लड़का क्यों नहीं गया स्कूल, ये लड़का क्यों ले लिया, ये तो नहीं पढ़ेगा, ये तो नहीं पढ़ेगा, ये और वो नहीं छोड़ रहे, इन दोनों के लिए मुझे बार बार वो कहते हैं इनको स्कूल से निकालो, कभी नहीं निकालूंगा। मेरे बड़े नजदीकी संबंध आपके देवगी पिताजी से रहे, हम घंटों बात करते थे क्योंकि हम से कुछ नहीं पहले उन्होंने कहा था तब आप किशोर थे क्योंकि उनका ध्यान उनके ध्यान को किशोर रखता है उनको मार्गदर्शन का आज के परिणाम अच्छा खा भी रहे नौकरी पेशे से धंधे से क्योंकि अगली पीढ़ी भी मैं तो सोचता था स्टेटर पहुंचेंगे तो मैं इंटरनेशनल पहुंचेंगे। ये क्यों हुआ, ये यूं हुआ कि जिनको शैक्षिक संस्कार मिले वो मुकम्मल
मैं खुद कहता हूँ मेरे बच्चे से मेरे स्कूल के पास आउट से कोई 5-10% 5% ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे स्कूल के बच्चे को तो असली नॉलेज है ना कि आगे चल के कॉम्पिटिशन टेस्ट हो जाए, इस साल से सीयूटी के एग्जाम शुरू हो गए, ग्रेजुएशन जो है जो दाखिले होंगे वो सीयूटी से होंगे। सीयूटी कौन क्लियर करेगा? जिसको कंटेंट की नॉलेज होगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चौथे पांचवें नंबर पे आया होगा, दूसरा कौन सा नंबर पे आया इसको पता नहीं, बहुत बड़ा पॉइंट होता पता नहीं, ठीक है। तो रैंक नहीं आएगी इसकी, लेकिन लड़का कंटेंट को पकड़ रहा है, ही ओपन ऑनली 82%। लेकिन जिस तरह ये कंटेंट को पकड़ रहा है तो जो बच्चा 98% का है जुगाड़ वाली से वो ही सब पहुंच गया। तो इस कड़ी में ज्यादा वो नहीं करूंगा कि हमारे ये ओमियान शर्मा ये रहे मिस्टर आर्टिस्ट बीच वाले, स्पोर्ट्स का ऐसा होता है मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिशन से पहले बटरफ्लाई चलती है, तितलियाँ चलती हैं, किम कहाँ गए, अभी तो बच्चा है रॉ मटीरियल है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। या कोई भी कॉम्पिटिशन अकेडमिक्स का हो, स्पोर्ट्स का हो, कल्चर का हो, इसमें खुशी ने अभी 6 महीने पहले इंग्लिश ओलंपियाड के लिए अध्यक्षीय खुशी ये अचीवमेंट होती है। ये नहीं कि भाई मैंने तो जा दिया एक लाख रुपये लगा दिया सुपरिटेंडेंट मिलता और 98, 93, 95, 98 इसमें एक बच्चा हो रहा है मेरा ऑनलाइन बच्चा है वो उसके लिए मैं आपको तो सुबह 3 बजे उठ के अखबार देखते अखबार डाल ऑनलाइन कोचिंग क्लास में उसने मेरे पास एडमिशन लिया, आज आया नहीं इसी वजह से। तो उसका नाम है शाहिद, वो अखबार पढ़ता है तो उस अखबार डालता है, उसके बाद वो ऑनलाइन मेरे से सारी पढ़ाई करता है। Respected Gurudev, respected all of you, all of the invitees and my dear students. I was also a student's life here and approximately 10 to 15 years ago. And I was like same as like you at that time. Merit is not a new thing for Shiksha Sadhan because I have seen lot of the students like me who got achievement and they are getting too much achievement in all of the world. You can see that. I would like to present an example in front of you. आपने देखा होगा कि घड़ा ठंडा पानी देता है, सब जानते हैं। अचीवमेंट घड़े को दी जाती है कि घड़े ने ठंडा पानी दिया, लेकिन अचीवमेंट उसको नहीं दी जाती कि जिसने घड़े को बनाया। तो मेरे बेटे ने ओबियान ने सबसे पहले नेशनल कराटे चैंपियनशिप के अंदर दिल्ली कराटे के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद इसने क्वालिफाई किया नेशनल्स के लिए, तो सिलेक्ट हुआ ये गोवा कैटेगरी के अंदर। तो लास्ट ईयर इसने गोवा में जाके अपना बेस्ट दिया, ही गॉट वन सिल्वर एंड वन ब्रॉन्ज फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट ऑल ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स ही क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल। And recently he got all of you know that he got one gold in a Kumiti, that is the 5 category, and one silver in Kata. तो मैं ये achievement ये नहीं कहता हूँ कि इसमें इसी की achievement है, इसी का सारा role है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए different equipments की जरूरत होती है कि बगैर टायर के गाड़ी नहीं चल सकती, बगैर इंजन की गाड़ी नहीं चल सकती है, बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती है, इनफैक्ट बगैर ड्राइवर के तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तो इसी तरह इसकी अचीवमेंट में ये नहीं है कि मेरा ही रोल है, मदर का रोल है, या किसी एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन का रोल है।
मैंने बच्चे को वही शिक्षा दी है जो मेरे को शिक्षा मिली है गुरुदेव से, क्योंकि मेरे लिए खाली स्कूल नहीं था, मैं मोस्ट ऑफली 24 आवर्स में से करीब करीब 8 आवर्स अगर स्लीपिंग अलग निकाल दो आप, तो रिमेनिंग 16 आवर्स में से मैं 12 घंटे 14 घंटे में यहाँ पे बिताता था। तो मैंने शिक्षा के साथ साथ मैंने क्या संस्कार देने हैं, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, बच्चों को क्या एजुकेशन देनी है, कितना स्ट्रिक्ट रहना है और कितना फ्रेंडली रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटिस कीजिएगा कि कितना फ्रेंकली रहना है बच्चे के साथ और कितना किस लेवल तक स्ट्रिक्ट रहना है, ये मैंने सब गुरुदेव से सीखा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि घर परिवार के अंदर किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि मैं छोटा ही था, 2003 में फादर जी के हमारे एक्सपायर हो गए थे, तो उससे एक साल पहले उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एलजी स्कूल था, तो हमारे यहाँ पे टॉप कैटेगरी में काउंट होता था, अब तो बहुत सारे स्कूल्स आ गए हैं। तो हमारे फादर ने गुरुदेव के फादर से शिक्षा ली, उनको कुछ लगा होगा तभी उन्होंने मेरे को हैंडओवर किया गुरुदेव के। हैंडओवर करने के बाद आफ्टर वन ईयर फादर जी एक्सपायर हो गए, तो मैं गुरुदेव की ही गाइडेंस में रहा। मेरे को जो भी शिक्षा मिली, किस तरीके से समाज से ट्रीट करना है, किस तरीके से समाज को हैंडल करना है, बहुत परेशानियां देखी, बहुत कुछ सफर किया, बहुत कुछ भी किया, तो उसमें मैं गुरुदेव को बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ अपनी लाइफ में। तो स्कूल तो आप सबको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे स्कूल कहीं भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक स्कूल के साथ साथ कि जहाँ पे शिक्षा भी मिले और जहाँ पे समाज, क्योंकि हमने आफ्टरऑल रहना तो समाज के अंदर ही है, हमने वर्ल्ड को फेस करना है, किताबें तो रट कोई नहीं सकता है भाई, टीचर तो दुनिया भर में एक से एक बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो किताबें रट रट के बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे दिमाग में किताबों को इस तरीके से भर देंगे कि आप 85% 95% ले तो आओगे, लेकिन समाज में वर्ल्ड के अंदर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप सफर ही नहीं कर पाओगे, फेस ही नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम्स को। तो जो कुछ यहाँ सीखने को मिलता है वो कहीं सीखने को नहीं मिलता, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा आपका, बस ये है कि मेरे लाइफ में गुरुदेव से यही सीखा है। आज से 15 साल पहले गुरुदेव ने मेरे को बताया कि 5P सॉल्यूशन है लाइफ के लिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चलते रहोगे तो आपको पुअर परफॉर्मेंस का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ज्यादा कुछ आपको समझा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव की छत्र छाया में हम हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है नहीं हमारे जीवन में। तो ये है कि गुरुदेव की छाया में आप बने रहो, प्राइमरी तक तो रहोगे, उसके बाद भी अगर गुरुदेव की अगर छत्र छाया में रहोगे आप, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आए किसी भी टाइम पे, कुछ भी कंसल्ट करना चाहो, गुरुदेव हर टाइम पे तैयार रहते हैं, जैसे कि मेरे साथ भी है, आई होप आपके साथ भी रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को। ये Thank you.